ओम शांति। अंतिम समय के लिए ईश्वर का इशारा। साकार और अव्यक्त मुरलियों में कई बार बाबा ने अंतिम समय के प्रति कुछ इशारे दिए हैं। आइए सुनते हैं वह कौन से हैं। सबसे पहला इशारा है, बाबा ने कहा हुआ है, सब अचानक होगा। अचानक का पार्ट है ना, विनाश भी अचानक होगा, अव्यक्त पार्ट भी अचानक समाप्त होगा। साक्षात्कार का पार्ट शुरू हो जाएगा। अव्यक्त स्थिति में रहकर ही बाप दादा से अव्यक्त मिलन का अनुभव करना होगा। आगे चलकर मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगी। अभी तो नई नई बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। बीमारियां अति में जाएंगी। जैसे आदि में दवाइयां नहीं चलती थी, अंत में भी आदि वाले दिन रिपीट होंगे। बॉम्ब्स गिरेंगे। भारत का पार्ट सिविल वार का है। खूने नाहिक खेल होगा। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। पानी की बूंद के लिए तरस जाएंगे लोग। हीरे की अंगूठी देंगे तो भी पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। अनाज भी खाने योग्य नहीं होगा। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग खोते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। माया और पांच तत्व इकट्ठे वार करेंगे। सभी गोरख धंधे बंद हो जाएंगे। घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी। इविल सोल्स का प्रभाव बढ़ेगा। त्राही त्राही कर उठेंगे मानव। साइंस के सभी साधन फेल हो जाएंगे। बिजली गुल हो जाएगी। सिर्फ मधुबन में रोशनी होगी। एक तरफ विनाश के अति नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। एक भारत ही रहेगा, बाकी सभी खंड विनाश हो जाएंगे। एक देवी देवता धर्म होगा, बाकी सभी अधर्म विनाश हो जाएंगे। इन भयानक परिस्थितियों का सामना अगर बिना हलचल में आए करना चाहते हो तो अब अपनी फाइनल स्थिति बनाएं, जितना जल्दी हो सके, कहीं देर ना हो जाए। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।